डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करने के बाद आज मैं आपके लिए फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल आया हूं। इसमें थोड़े बहुत माइनॉरिटी चेंजेस किए हैं, यानी हम लोग लेवल 2 पे जा रहे हैं, एकदम मामूली सा चेंजेस है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की वैरायटी और बढ़ती जाएगी। ओके, मात्र 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी सारी वैरायटी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? हार्डली 10 एग्जांपल, बस 10 एग्जांपल्स अलग अलग वैरायटी के दूंगा, उतने करके गए तुमको पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो सिर्फ रिवीजन के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Following is the balance sheet of Kirti and Sonal. आज हमारे पास एक और केस आया हुआ है, प्रैक्टिकली उसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व कैसे करना है एडमिशन करने के लिए, वो भी हम आज यहां से करके जाएंगे। तो बैलेंस शीट पढ़िए कीर्ति एंड सोनल की, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहली लाइन पढ़ते से ही नया कुछ चीज मिला। बोलो क्या? कल हमने देखा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो इक्वल था, आज है 3:2। यानी क्या हुआ, 3 हिस्से लेंगी सोनल ले रही थी कीर्ति, सॉरी, और 2 हिस्से ले रही थी सोनल। ओके, रिस्पेक्टिवली होता है, तब भी याद रखना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये कब की दिशा है? न्यू पार्टनर आने की पहले की। अब उनकी बैलेंस शीट दिख रही है, जैसे कि ओल्ड अकाउंटेंट ने मेरे को बैलेंस शीट बना के दिया है 31 मार्च 2019 की। यानी अब देखो यहाँ पे अगर दूसरी लाइन पढ़ दूं तो यहाँ पे कल हमने कैलेंडर ईयर में अकाउंटिंग की थी, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है 31 मार्च 2019 को। अभी ओपनिंग डेट कब होंगी इसकी, ये साल की 1 अप्रैल 2018 की, 12 महीने का होता है ना। आगे अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, देखते हैं। तो पहले एसेट देख लेते हैं, बिल्डिंग अवेलेबल है यानी दुकान उनकी, प्लांट एंड मशीनरी है यानी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं खुद की, क्या बात है। डेटर्स, कस्टमर उधारी बांटी हुई है मार्केट में, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक, ये स्टॉक कौन सा होता है हमेशा, क्लोरिंग स्टॉक, पेपर वाला आपको स्पेसिफाइड नहीं करना, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अभी जो आपको पेपर में अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन गिवन। हाँ, स्टॉक एसेट है मेरी। फर्नीचर, 30,000 का फर्नीचर पड़ा है उनके पास, ठीक है। बिल रिसीवेबल, यानी मार्केट में 1,20,000 रुपए के बिल रिसीवेबल है, क्या बात है। देखो डेटर पक्के में काम, पक्के में घड़ी के पूछो कैसे, दोनों लड़कियां लगा रही दुकान, देखो डेटर बांटे हुए 25,000 के और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करवाए हुए 1,20,000 के, दोनों उधारी है लेकिन पक्के में काम ज्यादा है इनका लग रहा, ऐसा लग रहा मुझे। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है 70,000 रुपए के, कुछ शेयर के खरीदे होंगे उन्होंने कंपनियों के। प्रीपेड इंश्योरेंस, ज्यादा का इंश्योरेंस पेड किया हुआ है, ठीक है। स्टैच्यूज, अब स्टैच्यूज है वो कपड़े टंगा देने के ऐसे जिसमें ऋतिक रोशन है ना, स्टैच्यूज देख के तो हम अट्रैक्ट होते हैं, हाँ इसको अच्छा लग रहा गोरे चिट्टे को तो हमको भी अच्छा लगना ड्रेस, चलो घुसो दे दुकान के अंदर, है ना। तो स्टैच्यूज उन्होंने खरीदे हुए 20,000 रुपए के, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा काम किया है उन्होंने, ये मोदी भक्त है, कौन है, हाँ। चलो मोदी जी ब्रांड मिस्टर है क्या जय श्री राम के। ओके, चलो अब यहां पे बैंक अकाउंट जो है ना, यानी इनका काम पूरा पक्के में बैंक अकाउंट है। अब अगर तुम्हारे एग्जांपल में बैंक अकाउंट गिवन रहा तो आपको वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट लाना है। और अगर पार्टनर के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो पार्टनर कैपिटल लाता है, न्यू पार्टनर, और गुडविल के पास लाता है, किसमें दिया हुआ है ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो बैंक से लाएगा, ऐसा इंप्लाइड है, फिर बैंक के नाम से ही एंट्री होगी। फिर बोलूं एक बार, नया वैरायटी है, सुन लो। अगर आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट दिया हुआ है और न्यू पार्टनर कौन से मोड से पैसे ला रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे अज्यूम करना न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा बैंक से ला रहा है, तो अपन बैंक के नाम से एंट्री करेंगे। क्लियर, समझा? अच्छा एक और बात सुनो, यहां तक क्लियर है पिक्चर, पक्का? और अगर जैसा मोड दिया रहा नहीं तो वैसा करना एंट्री। आज बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आऊंगी क्योंकि बैंक अकाउंट खुला हुआ है। कल अपने एग्जांपल में कैश अकाउंट था, प्रीवियस एग्जांपल से किया पहला। हाँ, तो नया नया चेंजेस जो मिला है ना उसको मैंने ऐसे वो सर्कल पहना हुआ है। अब आओ लाइबिलिटी देखते कौन कौन सी लाइबिलिटीज है आपके सामने। कृतिस कैपिटल ओल्ड पार्टनर से कैपिटल दिया है 3,000,000 का और सोनल कैपिटल 2,00,000 का दिया, बराबर है फिर 3:2, यानी कैपिटल से बांट रहे ये लोग पहले। अरे 3,00,000 और 2,00,000 रुपए कैपिटल था ना इनका, ओल्ड रेशो 3:2 था, यानी कैपिटल से बांट रहे, ठीक है। रिजर्व फंड भी बढ़ाए, अब रिजर्व फंड ये नहीं रखनी पड़ेगी अभी नए बिजनेस में, पूछो क्यों, ये बात के निपटा खत्म करो तो बाद में झगड़े होंगे इनके बीच में। फर्स्ट पार्टी लाइबिलिटी पूरी न्यू बनानी पड़ती है, आपको पता है। फर्स्ट पार्टी बोलो तो इंटरनल लाइबिलिटी की बात हो रही है, और क्यों करनी है आपको मैंने कल कॉमन सेंस से बताया था। क्रेडिटर्स दिया हुआ है मार्केट में, सप्लायर से उधारी बाकी ली हुई है, ठीक है। बिल्स पेबल है,
यानी कुछ सप्लायर का उनके ऊपर भरोसा नहीं होगा, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके दिए उन्होंने, तो वही क्रेडिटर बन जाते हैं बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल और क्रेडिटर में कोई फर्क होता है क्या बताओ? दोनों उधारी है मार्केट में जो देना बाकी है, लेकिन एक में निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, एक में नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब देखो सैलरी वैलरी बाकी होंगे ना, उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी है, 3 ईयर में लायबिलिटी है। अब ये नया हेड दिख रहा है जो कल नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है सर? ये उनका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट है सॉरी सर। वैसे जनरली नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल का ना, हाँ इनका जो ओल्ड अकाउंटेंट था, ये जो मेरे पास केस आया उसको मैंने बोल दिया था कि जो नेट प्रॉफिट करंट का आएगा उसको अलग से रखना, इसलिए वो कैपिटल में ऐड नहीं है। फिर सर कल वो एडिट था ऑलरेडी, कल वो एडिट था ऑलरेडी, समझ में आ रहा आपको? क्लियर? नया क्या पार्ट है डिस्कशन कर रहा हूं मैं, सुनो। अगर आपको लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कोई दिखे बैलेंस, इट इज अ नेट प्रॉफिट। क्या है मेरा? ये नेट प्रॉफिट है करंट डे का, ये नेट प्रॉफिट वैसे कैपिटल में एडेड नहीं है। फिर सर कल क्यों नहीं था? प्रीवियस सेशन में इसलिए नहीं था वो, हाँ क्योंकि कल वाले एग्जाम्पल में कैपिटल में ऑलरेडी एडेड था वो, ठीक है क्लियर। आज इसको अलग रखा है, अपन बांट देंगे, कोई बात नहीं, कल बांटा हुआ था आज अपन बांट देंगे, अकाउंटिंग कर ही रहे वैसे भी हिसाब किताब, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी सारी कहां जाएगी? ओनर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट देना ओल्ड रेशो से। आगे आओ एसेट साइड में, ऐसे लोग देखो। अब इनके इनके साथ मैंने आपस में वार्तालाप किया, यानी कम्युनिकेशन की ऑफिस से बिठा के, और ये इन्फॉर्मेशन रेडी किए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ऑलवेज हैव ये एडजस्टमेंट, आप हमने कल बनाई थी पहले एग्जांपल में, आज आप लोग ही बने, देखते हैं कुछ नया क्या है उसके बाद डिस्कस करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019, हाँ ये ओपनिंग डेट है, क्या है उनकी? यानी इंश्योर न्यू पार्टनर के एडमिट की डेट, जो बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर एडमिशन वाली, उसमें ये डेट मार देना शूट में। महक इज एडमिटेड, महक इज एडमिटेड ऑन फॉर 1/8 शेयर्स, ये उसका न्यू रेशो है। न्यू रेशो का काम कहां पे आता है मैंने आपको बताया हुआ है, कहां बोलो मेरे प्यारे बच्चों? जब न्यू पार्टनर डिमांड करे कि जितना मेरे को हिस्सा दे रहे और जितना मेरा कैपिटल है उसको कंपेयर करके उनका नया कैपिटल होता बन रहा क्या, ज्यादा बन रहा तो वापस दो और कम बन रहा तो उनसे लो, यानी कंपेयर करने को बोलता, तो उसके लिए एडजस्टमेंट क्या आएगी? न्यू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू रेशो को बोलते हैं, तो तब हम न्यू रेशो निकालेंगे। आज फिलहाल उसमें मेरे को दिखा नहीं उनकी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा, तो अपन इसको न्यू रेशो का आज काम नहीं है तो बनाएंगे भी नहीं, टाइम ना लास्ट में देख लेंगे। आगे शेयर्स ऑन फॉलोइंग कंडीशंस, अच्छा पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं, जिनको पहला एग्जांपल आता है उन्हीं को सेकंड एग्जांपल आएगा। मैं यहां पे कुछ वो आपको फिर से पूरा डिटेल में कंसेप्ट नहीं बढ़ाऊंगा, छोड़ा है वो गलिया, आज जो नया पॉइंट है सब उसके ऊपर ही डिस्कशन होगा। शी, अब शी कौन है? मैक, मैक यानी न्यू पार्टनर। शी ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल बाय आरटीजीएस, बैंक से कर रही है भाई, बैंक से आरटीजीएस, मोदी भक्त है। ओके क्लियर, हाँ तो वैसे भी अपन नहीं भी दिया होता तो बैंक से करते, पूछो क्यों? पक्के काम है इनका, ये पक्का गर्ल्स वेयर संभाल के कुछ भी चला रही थी, है ना, पहले ओल्ड पार्टनर थी अब न्यू पार्टनर आ रही, उसको एडमिट करने का जिम्मा हमको मिला हुआ है, करके दे रहे, कोई बात नहीं। आगे तो 1 लाख रुपए कैपिटल आ रही आरटीजीएस, आरटीजीएस बोलते बैंक इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है और पेमेंट आते बैंक में, कहाँ आते हैं? अकाउंट में डायरेक्ट। एंड शी ब्रिंग 50,000 एज गुडविल ऑफ द फर्म, अभी गुडविल आ रही है सही में, ये गुडविल दे रही है, जितनी गुडविल फर्म की है ना उतनी जितनी गुडविल दे रही है किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, तो पहले फर्म में आएंगी फिर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बन के रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ से एसेट बन के यानी बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ तो क्लियर है, इट्स अ कैपिटल गेन ऑफ द बिजनेस, मैंने कल ही इसके ऊपर काफी लंबा खासा डिस्कशन किया हुआ है, भाषण दिया हुआ है इसके ऊपर। बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹2,50,000, बिल्डिंग जो है 2.5 लाख की हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि एसेट की दो तरीके से वैल्यू दे देंगी, एक तो जितने से बड़ी कम हुई थे उतना, और एक नई वैल्यू देंगी कितनी बड़ी कम हुई वो तुमको देखना पड़ेगा। कल मैंने आपको और वाले स्टेटमेंट लिख के दिए थे याद करो, जब मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा था तब की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है 2 लाख की थी, अब मैंने उनसे इंक्वायरी की तो 2.5 लाख की हो गई, यानी 50,000 रुपए से क्या हो गया? अप्रिशिएट। अब एडजस्टमेंट 2.5 लाख नहीं है, एडजस्टमेंट है ओनली 50,000। मैंने आपको बताया था कल दो तरीके से आपको वैल्यू देंगे, कितने से बड़ी यहां तो दे रहेगा, यहां कितनी न्यू वैल्यू है
वो दी रहेंगी, वो कितनी बड़ी कम हुई वो तुमको निकालना पड़ेगा। आगे फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10,000। देखो कितना घुमा फिरा के स्टेटमेंट है, एक में आपको न्यू वैल्यू निकाल के दिए और दूसरे में दिया है जितने से बड़ी सिर्फ उतना निकाल के दिया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट समझो उस चीज को। अब फर्नीचर 10,000 रुपए से बड़ी हुई है, यानी बताओ पहले ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्नीचर ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था 30, अब नई बैलेंस शीट में कितना आएगा 40, 10,000 से बढ़ गया है। आगे क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये है न्यू वैरायटी, जो जो न्यू वैरायटी है उसको मैंने ऐसे सर्कल पहना हुआ है, आप सर्कल समझो इसको, हाँ हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, इसमें हाईलाइटर भी तो होता है ना, ठीक है। ये सब न्यू वैरायटीज है पिछले एग्जाम्पल से, अब कल याद करो क्या हुआ, कल जब मैं रिवैल्यूएशन करने गया एसेट लायबिलिटीज तो ओनर का मुझे क्या मिला, बैड डेट, क्या मिला, आज क्या मिल रहा, आज ओनली मुझे डाउट है, तो आज मैंने आरडीडी मेंटेन किया, कल हमने बैड डेट मेंटेन किया है। और मैंने आपको एग्जांपल में कल ही हिंट दी थी याद करो प्रीवियस सेशन में, कि अगर आरडीडी मिली है तो आरडीडी के नाम से आएगा, डेटा के नाम से बिल नहीं पड़ना, क्योंकि आरडीडी इज एक्सपेक्टेड लॉस और बैड डेट इज एक्चुअल लॉस। गॉट इट क्लियर, हाँ। तो ये दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कल अपने को बैड डेट था, आज आरडीडी है ये, तो ये न्यू आरडीडी है। अब न्यू आरडीडी क्या करता, डेटा मेरा कम करता, तो पहला इफेक्ट डेटा में से माइनस, और दूसरा क्या है मेरा डेटा कमाना, अच्छी बात है बुरी बात है, लॉस है, लेकिन एक्चुअल लॉस है क्या, एक्सपेक्टेड लॉस है। तो अपन जो रिवैल्यूएशन में एसेट के नाम से बिल फाड़ रहे थे ना, अब आरडी के नाम से बिल फाड़ना, बैड डेट रहा तो ही डेटा के नाम से बिल फाड़ना, मैंने कल ही आपको एंड दी, याद करो। आगे हाँ वाह मेरे ओल्ड अकाउंटेंट, क्या कांड किया है, इट इज ऑल्सो न्यू वैरायटी, कल आई थी केस में ये नहीं आई थी ना, आई थी इंटरेस्ट की, हाँ 2500 रुपए एज आउटस्टैंडिंग सैलरी वी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी क्या लास्ट महीने की इनकी सैलरी बाकी होंगी वर्कर को देना, पुराना अकाउंटेंट उनका जिसने बनाया होगा बैलेंस शीट उसमें लिखा ही नहीं। अब जब मैंने थोड़ा इवैल्यूएशन किया, ऑडिट किया, सब कुछ वाउचर्स देखे, तो मालूम पड़ा ये 2500 रुपए तो सैलरी दी नहीं है इसको, और दी नहीं है तो देनी तो पड़ेगी ना भैया, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एरर ऑफ ओमिशन। क्या हुआ, अब जब पूरा बना ही रहे अच्छे से तो क्यों ना किया जाए, तो ये नई लायबिलिटी यहां पे शो ही है। ओके कंटिन्यू, हाँ अब यहां पे देखो, यहां पे एक ऐसी आउट लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी पुरानी बैलेंस शीट में, लेकिन अभी हम हिसाब किताब रिवैल्यू कर ही रहे तो अभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके इसको बोलते हैं अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, एरर ऑफ ओमिशन हो गया था यहां पे गलती से। आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। अब देखो अभी तक क्या हुआ, कल तक एग्जाम्पल में अभी तक एग्जाम्पल में क्या हुआ था, कल हमने एग्जाम्पल में देखा कितने से अप्रिशिएट हुई वैल्यू, डेप्रिशिएट हुई अमाउंट में दिया था। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में आपको परसेंटेज भी आते हैं, तो अगर परसेंट आया अगर आपको तो बस करना क्या है, 10% निकाल देना। अब बताओ बिल्डिंग कितने की ऊपर, देखो 2 लाख की, अब 2 लाख का 10% कितना आता है मालूम है, कोई भी अमाउंट का लास्ट का जीरो हटा दिया 10% होता है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से डेप्रिशिएट हुई है अमाउंट। ओके चलो अब दो इफेक्ट कहां होते हैं क्या होते हैं समझ आता है आपको, करते आता है अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है जो कर हमने किया था। सर आज न्यू रेशियो काम है क्या, नहीं है, क्वेश्चन का आंसर है नो, क्लियर। अच्छा किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट इस टाइम करो, ऊपर सॉरी प्लांट एंड मशीनरी पे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी पे रे बेमानी मत करो, ठीक है 75,000 है, अब 75,000 का 10% कितना है 7,500, तो 7,500 से डेप्रिशिएट हुए, ठीक है कोई बात नहीं होता है, अच्छा याद दिला दिया। और कुछ गलती की क्या आपने, देखो तो नहीं ना, तो नया नया पॉइंट क्या क्या है मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है शुरू करें। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए कितने अकाउंट बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था 4 अलग से सेपरेट अकाउंट बनाओ पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का भी,
सुनो, एक बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, जो नॉर्मल अकाउंट है जिसमें सारे एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉसेस जाएंगे, भरत। दूसरा बनेगा पहला ओनर्स कैपिटल अकाउंट, सोनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा कीर्तिस कैपिटल अकाउंट। चौथा बनेगा मैक्स कैपिटल अकाउंट। ये तीन अलग बना रहा हूं, आगे चल के तीनों कंबाइन करवा दूंगा मैं, कंबाइन कैपिटल अकाउंट बोलते इसको। वो इजी होता है लेकिन समझने के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फिलहाल सेपरेट कर रहा हूं, आगे चल के कंबाइन कर दूंगा इसको। हाँ, उसके बाद बनेगी न्यू बैलेंस शीट। इतना कंटेंट कंपलसरी बनाना है आपको। उसके अलावा सिलक्का एज अ वर्किंग नोट देकर दो लेजर और बनाओ। कौन कौन सा? बैंक अकाउंट बनेगा एक, कल हमने कैश अकाउंट बनाया था, पर्टिकुलर अमाउंट ये एज अ वर्किंग मानी जाएगी आपकी। और दूसरा अकाउंट बनाया जाएगा गुडविल अकाउंट। शुरू करें? अब पूरी प्रक्रिया मात्र 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अब किस किस के हेड के ऊपर एडजस्टमेंट है? स्टामक करो पहले, बिल्डिंग पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, डेटर्स के ऊपर भी है, फर्नीचर के ऊपर भी है, और यहाँ पे लाइब्रेरी कोई नहीं है क्या? आउटस्टैंडिंग चलते है ही नहीं ना, अल्लाह लिखनी है ना, तो बस एडजस्ट एसेट्स इतने पे है और लाइब्रेरी में कोई नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या करना है, पैटर्न कैसे किया आपने? पहले सबसे पहले हम पूरी बैलेंस शीट खाली करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। पहले एसेट खाली करो पूरी एडजस्टमेंट के साथ, फिर लायबिलिटी खाली करो पूरी एडजस्टमेंट के साथ, और फिर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हुए कि नहीं देखना। बैलेंस शीट के एक इफेक्ट करना और एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल, ऐप में है अवेलेबल। चलिए, कौन से लेजर बनाने हैं? मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग बना लो। जो रिकॉर्डेड सेशन वाले रहेंगे वो पॉज करना पहले सेशन में, फिर ये लेजर बनाना और फिर यहां से कंटिन्यू करना सेशन हमारा। शो कर दिया मैंने लेजर, इतना सब अकाउंटिंग में होता है। पहला काम, पूरी एसेट खाली करेंगे। लेके आओ पूरी एसेट पहले। बिल्डिंग कहां लेके आओगे? पुरानी बैलेंस से उठा के न्यू बैलेंस में लेके आओ, एसेट साइड में। बहुत इजी है अकाउंटिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? बिल्डिंग कितनी है? बिल्डिंग में तो शॉप है ना, ये अपना शॉप दुकान का, गर्ल्स वेयर का शॉप था इनका, जिसमें न्यू पार्टनर को एडमिट करना है। ओल्ड पार्टनर थी कीर्ति और सुनल, न्यू पार्टनर आई है महक। कितना अमाउंट है? कुछ है क्या इसके ऊपर? तो इनर कॉलम करो। ओके, अब इसमें क्या किया है, रिवैल्यूट 2.5 लाख हुई ना, तो यानी 50,000 से बढ़ी है, तो 50,000 से बढ़ी है तो एसेट बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? तो पहला काम, इसको ऐड करो न्यू वैल्यू 2.5 लाख दिखाने के लिए। 50,000 रुपए से एप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो नई वैल्यू कितनी आई अभी न्यू बैलेंस शीट में, आफ्टर एडमिशन की वाली बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स, पहला प्लस किया, दूसरा। अब बताओ ये एसेट बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? तो अच्छी बात है कि प्रॉफिट है कि लॉस हुआ? फिर प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो यह आएगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। अब कौन सी एसेट की वजह से बढ़ा? तो यहां पे वो एसेट का नाम आएगा ओनली, 50,000 रुपए। नेक्स्ट, दूसरी एसेट लेके आओ। बैलेंस शीट का एक ही पे करना और एडजस्टमेंट के दो पे करना। प्लांट एंड मशीनरी लेके आओ न्यू बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के न्यू बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 75,000। अब वो बता रहा है 10% से डेप्रिशिएट हुआ है। अब डेप्रिशिएटेड करना है तो क्या करूं, प्लस की माइनस? डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू कम करता, कम करने के लिए यहां पहला इफेक्ट माइनस करो। कितना है?
7500 से 10% कितना होता है मालूम है ना आपको? परसेंट निकालने आता है? नहीं आता तो छोड़ देना पढ़ाई, अभी आना ही चाहिए तुमको भैया। 12th के लास्ट टॉपिक पढ़े हम लोग, कोई भी अमाउंट का लास्ट का जीरो हटा देता है तो 10% होता है, और कोई भी अमाउंट का लास्ट का दो जीरो हटता है तो 1%। कोई भी परसेंट 10 और 1% निकाल के ही निकालना। कितना आएगा? तो न्यू वैल्यू हो गई 67,500, बराबर है। अब बताओ ये डेप्रिसिएशन कहां मिला? एडजस्टमेंट ऑलवेज है, तो दो इफेक्ट करो आते वक्त। अब बताओ ये एसेट की वैल्यू कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालो। टू प्लांट एंड मशीनरी, वो एसेट का नाम आएगा जिसकी वजह से अपने को फटका लगा, 7500 रुपए। नेक्स्ट, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक तीर पे दो निशान मार रहा हूं, एक तो बैलेंस शीट का एक इफेक्ट खाली कर ही रहा हूं, साथ में जो जो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते आ रहे निपटाते जा रहा हूं। बिल्डिंग का हो गया और किसका हुआ? प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया। मिल आगे डेटर्स लेके आओ, अब डेटर ओल्ड बैलेंस से उठा के न्यू बैलेंस में लेके आओ। ओल्ड बैलेंस नहीं जो क्वेश्चन रहेगा, न्यू बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पष्ट कर दूं मैं। अब डेटर्स कितने के थे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको आउट कर देना, लेकिन जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लेके आना। अब 25,000 रुपए के मार्केट में उधारी बटी हुई थी, सेफ्टी के नॉर्म्स में ओल्ड अकाउंटेंट ने इनका आरडीडी प्रोविजन नहीं किया था, तो मैंने कर रहा, क्योंकि अकाउंटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि अकाउंटिंग को सेफ्टी करने के लिए, सेफ असाइड चलाने के लिए एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करो, और ऐसा कोई कस्टमर नहीं डुबेगा नहीं, एक आधा होगा ना सिल्लक, तो इसलिए हमने आरडीडी की प्रोविजन की है। कितनी की है? 2000 से। अब आरडीडी कभी कभी आपको पर्सन में दिया रहेगा, पर्सन में दिया रहा है अमाउंट में दिया रहा है, आपको निकालना है। अब बताओ आरडीडी हो या बेड डेप हो, क्या करती डेटर मेरी? कम करती। कम करने के लिए मैं क्या करूं? माइनस 2000 रुपया। अब बताओ नया डेटर मार्केट में कितने रहेगा फिर? 23। और डेटर कॉमन अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना, तो बुरी बात है क्या हुआ? प्रॉफिट की लॉस, लॉस लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सारे टाइप के लॉसेस रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेके आना। तो यहां पे अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में डेटर के नाम से बिल नहीं फाड़ना, आरडीडी के नाम से फाड़ना। सर कल तो डेटर लिखा था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस सेशन में हमारे पास बैड डेट था, ये आरडीडी है, बैड डेट एक्चुअल लॉस होता है, आरडीडी यानी प्रोविजन करें डूब सकते, डूबेंगे अभी तक पूरे नहीं, तो यहाँ पे बस नया थिंग वही है, बैड डेट रहा तो डेटर लिखना, लेकिन आरडीडी रहा आरडीडी तो आरडीडी के नाम से आएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट, खाली हो गया माल, ये डेटर भी स्टॉक। अब स्टॉक लेके आओ, अब स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उठा के आउट कर दो बस, बहुत इजी है, चिल्लर है चिल्लर। स्टॉक कितना है? 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है? मैं बार बार क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूं यार, हाँ है तुम्हारे पास अवेलेबल। फर्नीचर, अब फर्नीचर को स्टामा किया हुआ एडजस्टमेंट है, हाथवाद बैलेंस शीट का एक इफेक्ट खाली करते करते एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट खाली करते जाओ। हाँ अब फर्नीचर कितना है देखो, 30,000 रुपए के। क्या हुआ है? एप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ है? तो एप्रिशिएट हुआ तो प्लस करूं कि माइनस करूं? एसेट की वैल्यू बढ़ना बोले तो ऐड करना, एप्रिशिएटेड 10,000 रुपए से, तो न्यू वैल्यू कितनी होगी फिर? 40। क्या बात है। अब बताओ एसेट की वैल्यू बढ़ना दुकान के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सारे कहां आते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये मैं नहीं बोलता, कौन बोलता है? नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और रिवैल्यूएशन क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट। देखो रोज तो रोज रोज बताने के बाद भी पेपर में एमसीक्यू आएगा ना, रिवैल्यूएशन इज अ डैश अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल नन ऑफ दिस, कोई लिखता रियल कोई लिखता पर्सनल। बैल बुद्धि है आजकल बच्चे सब,
फर्नीचर 10,000 रुपया। आगे बिल रिसीवेबल चेंज है कुछ अनचेंज है कुछ एडजस्टमेंट उसके ऊपर डायरेक्ट उठा के आउटर कर देना बिल्स रिसीवेबल ओल्ड बैलेंस शीट से उठाओ और न्यू बैलेंस शीट में डाल दो 1,20,000। नेक्स्ट लास्ट इन्वेस्टमेंट अनचेंज है कोई चेंज नहीं है ना उसके ऊपर भी वेरी गुड 70,000 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस को चेंजेस है नहीं। ये सब कहां से उठाया मैंने क्वेश्चन से देखो आपने बैलेंस शीट खाली किया और एडजस्टमेंट जितनी सल्टा सा करते बैलेंस शीट खाली करते करते इतना भी क्या ना 6-7 मार्क टाइट अपने कितना इजी है अकाउंटिंग में कोई फेल होता ही नहीं अगर दिमाग लगाया तो। स्टैचूज एसेट है मेरी STATUES स्टैचूज वो आते ना कठपुतलिया ड्रेस लगाते इस पे शोपीस के लिए 20,000 रुपए के। डन क्लियर कोई डाउट इसमें नहीं। हाँ अब लास्ट का जो है वो है बैंक बैलेंस दिख रहा है आपको बैंक बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस उसके लेजर में लेके आओ जिसका एसेट का लेजर खुला हुआ है जो लायबिलिटी का लेजर लेके खुला हुआ है उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में न डालते हुए पहले उसका बैलेंस उस लेजर में लेके आओ। अब बैंक के अकाउंट में कभी बैंक के नाम से पोस्टिंग होती नहीं है तो जिसके जिसके नाम से पोस्टिंग करने की नौबत है अंदर उसी के नाम से जिसका लेजर अकाउंट है तो उसकी जगह ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ड्रॉट डाउन लिखना। तो यहाँ पे अपन अब बताओ एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ड्रॉट डाउन के नाम से पोस्टिंग करना क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर जतिन बैंक अकाउंट के अंदर बैंक का नाम कभी नहीं आता जिसका लेजर रहा उसके नाम से कभी पोस्टिंग होती नहीं लेकिन उसके नाम से अगर पोस्टिंग करने की नौबत आई तो क्या लिखना बैलेंस ड्रॉट डाउन कितना अमाउंट है 50। यहां पर कोई डाउट जो प्रीवियस सेशन से हमारे साथ चल रहे बेसिक से उनको समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूं बाकी जो नए नवेले आज आए होंगे उनकी मैं कोई गारंटी देने वाला नहीं हूं। बोलो क्या इशू है बैंक चार्जेस टू बैंक तो फिर बैंक यहाँ पे आएगा ना बैंक चार्जेस बैंक के क्रेडिट में आएगा ना बैंक चार्जेस इज डिफरेंट बैंक डिफरेंट है समझा बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है और बैंक पैसे पड़े या जा रहे वो पर्सनल है आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हाँ आगे बढ़ू। अब हमने पूरी एसेट खाली कर दी जितनी एडजस्टमेंट सल्टा सगड़ा था सल्टा दिया देखो कितनी एडजस्टमेंट हो गई एडजस्टमेंट नंबर 1 बाकी है 2 बाकी है 3 हो गई 4 भी हो गई 5 भी हो गई बस 6 बाकी है 7 भी हो गई 2 इफेक्ट सबके हो गए। चलो अब लायबिलिटी खाली करेंगे सारी इंटरनल लायबिलिटी ओल्ड पार्टनर्स को बांटेगी। अब बताओ पहला लायबिलिटी कौन सी है कीर्तिस कैपिटल अकाउंट तो कीर्तिस कैपिटल अकाउंट जाएगा कीर्ति के कैपिटल अकाउंट में। अब बताओ हाँ अब बताओ कीर्ति का कैपिटल अकाउंट दिखा तुमको। अब बताओ लायबिलिटी कोई भी रहे ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो कीर्ति के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आओ। अब जिसका लेजर रहा उसके नाम से कभी पोस्टिंग होती तो उसकी जगह लिखना बैलेंस ब्रॉट डाउन उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे कीर्ति कैपिटल के अंदर लेजर अकाउंट के अंदर कभी कीर्ति कैपिटल के नाम से पोस्टिंग होगी नहीं ये पोस्टिंग हो रही सभी कितना 3,00,000। दूसरा कौन है सोनल्स कैपिटल। अब सोनल्स कैपिटल के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आओ बैलेंस क्या नाम से बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,00,000। यहां तक क्लियर आगे अब रिजर्व फंड है अभी ओल्ड रिजर्व ये रिटेन प्रॉफिट है जमा किया हुआ पैसा हर साल प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के मालकों ने ओल्ड पार्टनर ने रिजर्व फंड रखा हुआ है सेफ्टी के लिए बिजनेस के सेफ्टी के लिए होता है ये फ्यूचर प्रॉफिट के लिए फ्यूचर में कोई लॉस हो तो सर्वाइवल इससे होता है बिजनेस का। अब बताओ अभी रखना है कि हमको ये ओल्ड पार्टनर्स का है दे दो क्योंकि न्यू पार्टनर अभी आ रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से बांटना है। अब इससे बांटना आता है जिसको नहीं आता वो यहाँ पे सीख लो। देखो 10,000 रुपये रिजर्व फंड है बांटना है 3:2 से
क्या करना, रेशो से बांटने का तीन स्टेप, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना, टोटल रेशो को प्लस करना, 3 + 2 = 5, एक आंकड़ा आएगा फिगर, वो गिवन फिगर को टोटल अमाउंट से डिवाइड करना तो एक अमाउंट मिलेगी। क्या मिलेगी, ये है एक हिस्सा, क्या ये एक हिस्सा, 2000 रुपया। अब उन्हीं को रेशो से, उन्हीं के रेशो से उनको मल्टीप्लाई करना, इंटू 3 × 2, तो ये आएगा यहाँ पे 6000 और यहाँ पे आएगा 4000। तो एक के हिस्से में आया 6, एक के हिस्से में आया 4। अब बताओ तीन किसका हिस्सा है, कीर्ति का, अरे तीन किसका हिस्सा है, तो कीर्ति के अकाउंट में 3 यानी 6000 रुपये डालो। अब लायबिलिटी कोई भी नहीं, ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो लेके आओ यहाँ पे बाय रिजर्व फंड के नाम से। अब ये बैलेंस नाम से लिखता नहीं, क्योंकि कीर्ति कैपिटल में रिजर्व फंड के नाम से पोस्टिंग हो सकती है, कितनी, जिसको हिस्से बांटने नहीं आता उसको फिर से आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और इसके पास सोनल के पास कितना गया, 4000 रुपये। गलती से मैंने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। कोई डाउट इसमें नहीं। ये खाली हो गया माल, बैलेंस शीट का एक ही पे करना, जो एक बार आ गया अब कहीं आएगा नहीं। इसको बांट दिया अपन ने 10000 को, हाँ। अब क्रेडिटर, अब क्रेडिटर लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। अब न्यू बैलेंस शीट में जब फर्स्ट लायबिलिटी लिखोगे, फर्स्ट लायबिलिटी, तो 3-4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि कैपिटल हमेशा प्रोबेबली ऊपर दिखाना न्यू कैपिटल का, तो 4-5 लाइन में छोड़ दे रहा हूं यहाँ पे। तो पहला आएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के ऊपर देखो एडजस्टमेंट है कि कुछ, डायरेक्ट लिख दो बाहर, आउट कर दो, कितना, 50000 रुपये। ओके, नेक्स्ट लायबिलिटी है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर भी मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट उठा के आउट कर दो बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाकी होंगे कुछ, बाकी होंगे एक्सपेंसेस देना, लायबिलिटी है। अब इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं है तो उठा दो, आउट कर दो डायरेक्ट। कितना अमाउंट है, 30000। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये प्रॉफिट लॉस जो है करंट डे का नेट प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा उनके लेजर में। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी पूरी डिस्चार्ज करना, न्यू लायबिलिटी में, न्यू बैलेंस शीट में लेके नहीं आना, ओल्ड पार्टनर्स को बांटना। अब प्रॉफिट पे किसका हक है, मालक का, तो ओल्ड पार्टनर्स को बांटना ओल्ड रेशो से, फिर से इसको रेशो में बांटना सिखाते हैं। आंकड़ा कितना है, 20, कौन से रेशो से बांटोगे, ओल्ड, ओल्ड रेशो कितना है, 3:2, तो 3:2 से बांटना है। अब टोटल अमाउंट है 20000 रुपये। अब 20000 रुपये को पहले क्या करना है, प्लस करना है टोटल रेशो को, 3 + 2 = 5, तो एक फिगर मिली, टोटल अमाउंट को उस फिगर से करो डिवाइड, तो एक हिस्सा मिलेगा। अब 20000 के 5 हिस्से करो, कितने होते हैं, 4000 रुपये का एक हिस्सा होगा, है ना। अब 4000 रुपये का एक हिस्सा, अब उन्हीं रेशो से उनको मल्टीप्लाई करो, × 3 × 2, तो कीर्ति के पास जाएगा जिसका तीसरा हिस्सा है, वो कीर्ति है ना, और सोनल का 2 हिस्सा है, तो कीर्ति के पास जाएगा 12000 रुपये और सोनल के पास जाएगा 8000 रुपये, तो बांट दो। अब क्या नाम से पोस्टिंग करोगे, प्रॉफिट लॉस के नाम से, जो नाम दिया है वही नाम से। पहले कीर्ति को देखते हैं, पहले कीर्ति, हाँ देखना, एक आधा उल्टा सीधा नहीं कर देना, नाम पढ़ना अच्छे से, उसमें लेजर वही बैलेंस डालना, तुम घाई गड़बड़ी में एक का अमाउंट दूसरे को डाल देते हो, ये गड़बड़ी हो सकती है तुमसे, बी अवेयर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
12,000 रुपए, और सोनल के पास कितना आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से, ये नेट प्रॉफिट है उनका। और ये अगर करंट का नेट लॉस होता था तो कहां मिलता था तुमको? एसेट साइड में, तो भी बांटना इनको ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, डेबिट में आता था। फिर कितना अमाउंट है? 8,000 रुपए। देखो पूरी बैलेंस शीट खाली होगी क्या? हाँ, अब बैलेंस शीट खाली होने के बाद अब जाएंगे एडजस्टमेंट्स के, सबके दो इफेक्ट हुए कि नहीं देखेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 का दो इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं। तो महक 1,00,000 रुपया ला रही है कैपिटल का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, बैंक में। आरटीजीएस बोलते क्या होता है? एक बैंक का इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तुमको मैंने बैंकिंग में सिखाया हुआ, याद करो आरटीजीएस एनईएफटी आईसी मालूम है आपको? हाँ। तो अभी बच्चा लोग 1,00,000 रुपए ला रही ना, बस 2 मिनट। हाँ, अब यहां पे आरटीजीएस ला रही, पहले यहां पे एंट्री बनेगी इसकी रखनी। अब बताओ ओनर जब न्यू बिजनेस में पैसा लाता है तो उसकी एंट्री होती थी बाय कैश टू कैपिटल, यही ओनर अगर बैंक से पैसा ला रहा है तो एंट्री होती थी बाय बैंक टू कैपिटल, ये 11 सिखाया तुमको मैंने। लेकिन यहां पे अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म में एक ओनर नहीं है ना, 3 ओनर है, बराबर कि नहीं? तो 3 ओनर है, तो कौन सा ओनर ला रहा है यहां पे पैसा? महक। तो महक कैपिटल के नाम से आएगा, तो एंट्री बनेगी इसकी। व्हाट कम्स इन डेबिट? पैसा कहां आ रहा है? बैंक में, तो बैंक से लेना बाकी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कौन ला रहा है? महक। तो महक कैपिटल के नाम से इसकी पोस्टिंग करेंगे हम, टू महक कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,00,000। 1,00,000। अब देखो हमारे पास दोनों लेजर गिवन है, महक बैंक अकाउंट भी गिवन है और महक कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, और एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, तो दोनों इफेक्ट दोनों अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी एक एक करके। चलो ये एंट्री कैसे बन समझा गया आपको? कल भी मैंने बनाई थी, सब कल कैश था, आज बैंक है और कुछ नहीं है। प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन कराया उसमें कैश था, इसमें बैंक है, तो इसकी एंट्री बनी बाय बैंक टू महक कैपिटल, तो बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में। अब बैंक अकाउंट नीचे वर्किंग के तौर बनाया हुआ मैंने, बैंक के डेबिट में अपोजिट में लिखो टू महक कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,00,000। और महक कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए। यहां तक क्लियर पिक्चर? कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 1 के दो इफेक्ट हो गए, भूल जाओ शूट में, भूल जाओ। हाँ, अब जाओ एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। अब शी यानी महक 50,000 रुपए बिजनेस को दे रही, और पैसे काय के? उनके गुडविल के, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? हाँ, अब कैश नहीं आएगा, बैंक से आएंगे पैसे, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय बैंक टू गुडविल। अब ये एंट्री क्यों बनी समझा आपको? बैंक में पैसे आ रहे, बैंक से लेना बाकी, पर्सनल रूल से हमने डेबिट किया, और ये पैसे बिजनेस के लिए कैपिटल गेन हुआ। क्या हुआ? वन टाइम प्रॉफिट। ये वन टाइम प्रॉफिट पे ओल्ड पार्टनर्स का हक है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को ये रिफ्लेक्ट होता है, तो यहां आऊंगा बाय बैंक टू गुडविल। अब आप देखो मेरे पास क्या दोनों लेजर गिवन है, बैंक का डेबिट साइड भी गिवन है और गुडविल का क्रेडिट साइड भी गिवन है। कौन से रूल्स लगाया समझा आपको? बैंक पर्सनल रूल्स लगाया, P1 लेना बाकी है बैंक से, आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए, और दूसरा गुडविल हमारा कैपिटल गेन है, नॉमिनल रूल्स लगता है। समझा क्या? बिजनेस के लिए कैपिटल गेन है, वन टाइम प्रॉफिट। अब बताओ इसकी एंट्री समझी क्या होती? प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अरे बिजनेस को 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ ना, ये 50,000 रुपए दे रहा ना। अब बताओ बैंक के डेबिट में लिखो, पोस्टिंग करो लेजर पोस्टिंग टू गुडविल के नाम से, और गुडविल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय बैंक। कल सिर्फ कैश था, आज बैंक है, बस। जिसने प्रीवियस सेशन किया होगा मेरा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री में ये अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा कैसे होती है पद्धति प्रोसेस। पन्नास ना
50,000 रुपया आले, ऐसे बोलते ना रुपये भेटले, 50,000 भेटले, ओके। हाँ अब रुको ना भाई, देखो पूरा माल छाट लिया क्या, छाट लिया, देखो देखो देखो, हाँ ये रह यार बाकी है ना, एडजस्टमेंट नंबर 6 बाकी है, करो। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी एक नई लायबिलिटी ओल्ड पार्टनर्स ने दिखाया ही नहीं था, अब जब रिवॉल्यूशन किया तो मालूम पड़ा वर्कर की सैलरी देने बाकी है आखिरी महीने की, तो लेगा नहीं क्या वो, कर्जा है ना मेरे ऊपर, तो ये नया कर्जा बन गया ना, तो न्यू बैलेंस में लेके आओ न्यू लायबिलिटी। ओमिट हो गया, ओमिट बेचारे का, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2500 रुपए। अब बताओ जबरदस्ती का ये एक कर्जा बढ़ गया अपने ऊपर, सिल्लक का कर्जा बढ़ना, लायबिलिटी बढ़ना, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात, तो क्या हुआ प्रॉफिट लॉस, लॉस लॉस सारे कहां जाते हैं, रिवॉल्यूशन के डेबिट में, तो लेके आओ रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कल याद करो, कल अपने इंटरेस्ट ऑन बैंक भूल गए थे अपन, 2500 रुपए रिवॉल्यूशन के डेबिट में क्यों लिखा समझा आपको? हाँ अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो अब जो जो हमको एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमने न्यू पार्टनर के एडमिशन के रिगार्डिंग सारा डेटा भर दिया है। अब हमें लेजर क्लोज करना है। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या सीखा है आपने, वो सारे लेजर क्लोज करोगे जो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे बैलेंसेस, और उसमें से पहला लेजर होगा कौन सा, रिवॉल्यूशन करे गुडविल करे, दो लेजर कैपिटल में जाते हैं, कोई भी करो पहले सिलक का लेजर क्लियर करते ना गुडविल अकाउंट है ना, अरे कोई भी करो बात दोनों का वही जाएगा, पहले अपन गुडविल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ओके। और आपने अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज किया तो भी कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं वो बता रहा हूं सुनो, लेजर पहले कौन से क्लोज करोगे 12th, जो लेजर का रिफ्लेक्शन बैलेंस कहां जाएगा ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो, हाँ तो गुडविल अकाउंट क्लोज करते पहले, एक लकीर तो लकीचो कौन से साइड की अमाउंट बढ़ा रही है वो लिखो, तो यहां पे गुडविल का क्रेडिट साइड अमाउंट बढ़ा रहा है, तो जो साइड का अमाउंट बढ़ा आता है वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखते हैं, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस, तो डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स को भेज दो, क्योंकि ये 50,000 रुपए आए काय के लिए थे हमारे पास, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो ओल्ड पार्टनर्स को भेज दो, कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से, एक बार फिर से हिस्सा बांटना सिखा रहा हूं। अब ओल्ड रेशो है 3:2, कहां दिया हुआ है सर, स्पष्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबको बच्चे लोग? अब यहां पे तीन और दो के हिस्से में बांटना है, अमाउंट है 50,000 रुपए, अब 50,000 रुपए 3:2 से बांटना है, तो पहले क्या करना है, तीन स्टेप होती है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले टोटल हिस्सों को प्लस करो, 3 + 2 = 5, एक आंकड़ा मिला, गिवन अमाउंट को उस फिगर से डिवाइड करो, तो एक हिस्सा मिलेगा 10,000 का, 5 हिस्से 50,000 के, तो एक हिस्सा 10 का, अब उन्हीं रेशो से उनका करो मल्टीप्लाई, तो आएगा 30,000 रुपए इसका, और इसका आएगा 20,000 रुपए, ओके। ये कीर्ति का है ना, और ये किसका है, सोनल का, चलो बांट दो, तो 30,000 रुपए जाएगा कीर्ति के हिस्से में गुडविल का पैसा, और 20,000 रुपए जाएगा सोनल के हिस्से में पैसा, क्लियर पिक्चर? अब यहां पे ये जाएगा किसके पास बोलो, कीर्ति के पास, तो जहां भेज रहे हो उस लेजर का यहां पे नाम लिखो, कीर्ति कैपिटल अकाउंट, और ये जाएगा सोनल कैपिटल अकाउंट। कैप्टन आप बैठ सकते हो, बैठ के कमांड कर सकते हो आप, ओके गॉट इट, यहां तक क्लियर पिक्चर? अब ये उनके लेजर में भेज दो, उनके लेजर में भेज दो, यानी क्या बताओ, अब बताओ ये कहां देंगे गुडविल का पैसा, ओनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, क्रॉस इफेक्ट करना, क्या करना, अगर क्रॉस इफेक्ट नहीं समझा तो बताओ इससे ओनर का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हर वो चीज जिससे ओनर का कैपिटल बढ़ता है वो हम कहां लिखते हैं, ओनर के डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, आपने सिखा हुआ है पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में, ओके क्लियर? हाँ, तो ये जाएगा कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुडविल के डेबिट में,
तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में इनवर्स इफेक्ट। इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट, एंड दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, इनवर्स एंड क्रॉस। तो कीर्ति का पैसा कीर्ति के अकाउंट भेजो और सोनल का पैसा सोनल के अकाउंट भेजो। अब कौन से लेजर से बैलेंस आ रहा, वो गुडविल, तो गुडविल के नाम से यहां पे आएगा क्रॉस इफेक्ट, 30,000 रुपए इसका और सोनल के तहत 20 ना, 20,000 रुपए इसका बाय गुडविल के नाम से। अकाउंट क्लोज गुडविल अकाउंट। दूसरा अकाउंट रिफ्लेक्ट करोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, इसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो से। आज न्यू रेशो काम नहीं था इसलिए निकाला भी नहीं। एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही, डेबिट बढ़िया आएंगी तो लॉस आएगा और क्रेडिट से बढ़िया तो प्रॉफिट आएगा। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही, देखो बच्चा लोग डेबिट की आ रही ना बड़ी, पक्का लॉस हो रहा, चलो अच्छा है बेटा क्रेडिट की बढ़िया 50,000 इधर 60-10 दिख रहा, क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़िया रही है तो प्रॉफिट आएगा, मतलब पिछले एग्जाम्पल में भी प्रॉफिट लिया था अपन ने। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है, क्रेडिट साइड की, जो साइड की अमाउंट बढ़िया है तो लिखो, अगर क्रेडिट साइड बढ़िया है तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड बढ़िया है तो लॉस। पूछो क्यों बच्चे लोग, प्रॉफिट ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एंड लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये मैं नहीं बोलता, कौन बोलता है, नॉमिनल रूल, अकाउंटिंग बाबा का तीसरा मंत्र। जो साइड की अमाउंट बढ़ी लिखा उसमें से अपोजिट माइनस का डिफरेंस उतारा देखो, अरे डिफरेंस देखो तारा नालायक को बताओ ना, अरे 7500 2,000 2,500 गायब करो तो 12,000 गायब करो, 60 में से 12 गए 48,000 रुपीस, ये क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। ये कहां भर रहे इक्वल करने के लिए, ये डिफरेंस अमाउंट कहां भरोगे इक्वल करने के लिए, जो साइड कम भर रही इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। जो 11th वाले जूनियर्स बैठे हुए हैं तुम लुकआउट करो, ये न्यू पार्टनर को एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, आपको 12th में आएगा, मैंने आपको बताया था रिकंस्टिट्यूशन वाला पार्ट पार्टनरशिप जो पढ़ाया था। तो हाँ, अब ये प्रॉफिट पे किसका हक है, अभी तक दुकान किसने चलाई थी, ओल्ड पार्टनर्स ने कि न्यू पार्टनर ने, न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा ना वो बराबर कि नहीं, तो ये ओनर को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो से बांटो। फिर से हिस्सा बांटना सीखेंगे हम एक बार फिर से, 48,000 रुपए बांटना है कौन से रेशो से, 3:2 से। अब रेशो बांटना तीन स्टेप है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, बोलो मेरे साथ प्लस डिवाइड, पहले टोटल हिस्सों को प्लस करो, एक अमाउंट मिले, एक फिगर मिलेंगे कितना 5, और ये गिवन फिगर को उस गिवन अमाउंट को उस फिगर से डिवाइड करो कितना आएगा। अब 48,000 के 5 हिस्से करो कितने होते, एक हिस्सा पक्का श्योर 9,600 रुपए बोलते, ये एक हिस्सा है। अब उनके ही रेशो से उनको मल्टीप्लाई करो इंटू 3 इंटू 2, तो कीर्ति का हिस्सा आया 96 इंटू 3 कितना आ रहा 28,800, और 19,600 इंटू 2, फिर से रिपीट करो प्लीज, 28,800 रुपए किसके अकाउंट में, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो यहां इनर कॉलम में दिखाना पड़ेगा दोनों का बंटवारा, 28,800 ना और ये 19,200, तो ये जाएगा कीर्ति के पास, कीर्ति's कैपिटल अकाउंट, लेजर पोस्टिंग क्रॉस इफेक्ट के नाम से होती है, और ये जाएगा सोनल के पास, सोनल्स कैपिटल अकाउंट। हाथ पर बांट दो, अब बताओ प्रॉफिट ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, कौन बोलता है अकाउंटिंग बाबा का तीसरा मंत्र, तो बताओ ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और प्रॉफिट पे किसका हक, मालक का, तो मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, तो ये मालक का पैसा है ना तो इसलिए लायबिलिटी बढ़ेगी इनसे, तो ये क्रेडिट साइड में आएंगी, प्रॉफिट बोल के क्रेडिट करो या लायबिलिटी बोल के। अब बताओ ये कौन से लेजर से रिफ्लेक्शन कर रहे क्रॉस इफेक्ट, हाँ अब बताओ
कौन से लेजर से आ रहा है वो बैलेंस? रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के नाम से यहाँ पे पोस्टिंग होगी, जो लेजर से आ रहा बैलेंस प्रॉफिट का उसी के नाम से यहाँ पे करना। 28,800 है ना कीर्ति का, और सोनल के हिस्से में कितना आया? बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो प्रॉफिट दिखा सकते हो, 19,200। ठीक है, अब क्या करोगे? अब तीनों का लेजर क्लोज करके न्यू बैलेंस में लेके जाओ, खत्म। न्यू पार्टनर एडमिट, सिंपल है ना। चलो अब बाकी लेजर बचे कौन से? चार लेजर बचे, ओल्ड पार्टनर्स के लेजर, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेजर और बैंक अकाउंट। चलो तीनों का लेजर भेजो, पहले सोनल का करते क्लियर। चलो नहीं, पहले कीर्ति करते, एक लकीर खींचो। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया देखो, अगर क्रेडिट साइड बढ़िया कैपिटल की पार्टनर की तो लाइबिलिटी बिजनेस की, और डेबिट साइड बढ़िया तो बिजनेस की एसेट। मैंने आपको कल ही इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। कौन सा बढ़ा देखो, आ रहा ना क्रेडिट, आ रहा ना कितना आ रहा, लॉक कर दूं? 3,76,800 बोलते हैं, आंकड़ा आया क्या? 3,76,800 बोलते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा? ये आएगा नो न्यू कैपिटल टू, क्या नाम से लिखेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन। न्यू कैपिटल जो आएगा ना वो बैलेंस कैरिड डाउन नाम से, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको एक्चुअली। ये तुम्हारे लिखे दे रहा हूं न्यू कैपिटल है, और ये न्यू कैपिटल कहां लिखा होगे? न्यू बैलेंस शीट में। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या थी? ओल्ड बैलेंस शीट, अब बनाना क्या है? न्यू बैलेंस शीट यानी बिफोर एडमिशन गिवन थी, और बनाना है आपको आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी कीर्ति की? देखो भाई 3,00,000, अभी कितनी हो गई? न्यू इन्वेस्टमेंट सब काट छाट के रिवॉल्यूशन करने के बाद 3,76,800। चलो लेके आओ कीर्ति कैपिटल अकाउंट 3,76,800 ना आ गया। अब निकालो सोनल का, एक लकीर दो लकीर खींचो। अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़िया तो बिजनेस की लायबिलिटी, और अगर डेबिट बढ़िया तो बिजनेस की एसेट्स। कौन सी बढ़िया रही देखो, कितनी आ रही? 2,51,200। देखो मैंने कहा था तुमको कि मेरे स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, है ना? सब पहले एग्जाम पर समझ दे रही है बस, बाकी तुम अपने आप आगे बढ़ोगी। डिफरेंस कितना आया? 2,51,200। 2,51,200 कंफर्म कर दो बराबर क्या आंकड़ा? ये आया नया कैपिटल, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये तुमको लिख के नहीं आना पेपर में, तुम्हारे लिए ये। पहले उसकी आंकड़ा था 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट, अब आगे 2,51,200 की। तो बताओ लायबिलिटी भी ना बिजनेस की है, लेके आओ। कौन है? सोनल्स कैपिटल अकाउंट 2,51,200। ओके, अब यहां पे तीसरा लेजर क्लोज करेंगे महक का। महक के इसमें कुछ नहीं आता, 1,00,000 लेके आई है, 1,00,000 दे दो, नया कैपिटल दिखा दो टू बैलेंस। ये न्यू पार्टनर है ना, ये नया कैपिटल है उसका। देखो बैलेंस शीट में डली नहीं कराऊंगा, तुम करते बैठना। 1,00,000, 1,2,3,4,5 आंकड़े बराबर है, 6 हो गए। ठीक है, अब बैंक अकाउंट बाकी है ना। अब देखो बैंक का, अच्छा बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, डेबिट भी बढ़ सकती है क्रेडिट भी। हाँ कैश होंगे तो डेबिट बैलेंस, बट बैंक है तो पता नहीं। तो अगर बैंक अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ियाई तो बिजनेस की एसेट्स, समझा? और क्रेडिट बढ़ियाई तो बिजनेस की लायबिलिटी। कौन सी बढ़िया रही? डेबिट कितनी आ रही? 2,00,000 रुपए लिक्विड कैश पड़ी है अपने पास, 2,00,000 रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा? 2,00,000 रुपए। ये 2,00,000 रुपए डिफरेंस अमाउंट है, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन, अरे न्यू बैलेंस को कैरिड डाउन बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है ये। हाँ अब बताइए कौन से साइड का बचा हुआ बैलेंस है? डेबिट का, और एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेके आओ बैंक अकाउंट के नाम से। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में अपने पास बैंक का पैसा कितना पड़ा था? मात्र 50।
अब कार्ड शार्ट के सब न्यू पार्टनर आया, उसने दिए पैसे वैसे, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। इससे क्या साबित हुआ बताओ? साबित ही हुआ न्यू पार्टनर आता है तो नोटा भी लाता है भरपूर भरपूर वाली, और मैनेजमेंट पावर भी लाता है एबिलिटी। इसलिए एडमिशन करना कभी कभी सही होता है। बैलेंस शीट की टोटल बताओ कितनी आ रही? टैली हो गया 8,70,500 बोलते हैं। टाटा बाय बाय। चलो लास्ट का पार्ट फास्ट हुआ होगा, स्लो डाउन में करके देख लेना।